अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग को फिर से पटरी पर लाने और उसके समग्र विकास की दिशा में अहम कदम उठाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजबाग में आधुनिक सरकारी सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि यह सरकारी रेशम बुनाई का कारखाना वर्ष 1937 में स्थापित किया गया था और तब से यह चल रहा था। हालांकि आज के आधुनिक युग में इस कारखाने की सारी मशीनरी पुरानी हो गई थी। इसके अलावा वर्ष 2014 की बाढ़ में भी इस कारखाने के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था। अब लगभग 23.5 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ इस कारखाने का आधुनिकीकरण किया गया है। इस कारखाने के उद्घाटन के समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीर के रेशम की मांग और खपत बढ़ाने के लिए जल्द ही कश्मीरी रेशम की ब्रांडिंग नए तरीके से शुरू की जाएगी। 2014 में जो फ्लड आई उसमें काफ़ी तबाही मचाई इस फैक्ट्री में, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से क्या प्रोग्राम चलता है ईरा के अंतर्गत, अभी देखते हैं 37 करोड़ से ज़्यादा की लागत से फैक्ट्री नई बन करके तैयार हुई है। और आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा है, इसमें मेरा अनुमान है कि 10,000 किसान जो कोकून पैदा करता है उसको सीधा लाभ होने वाला है, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और सेकंड फेज का भी प्रेजेंटेशन आपने देखा है, तो मोटे तौर पर उसके लिए भी धनराशि के स्वीकृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जल्दी वो स्वीकृत हो जाएगा, तो फिर से कश्मीर का सिल्क पूरी दुनिया में जाना जाए। इस क्योंकि कश्मीर का कारपेट तो पूरी दुनिया जानती है, कश्मीर का सिल्क भी लोग जाने, इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। श्रीनगर के राजबाग स्थित इस कारखाने का प्रभा साक्षी समाचार ने जायजा लिया और यहाँ के प्रबंधक से बातचीत की। आई देखते हैं इस आधुनिकीकरण के बारे में क्या कह रहे हैं प्रबंधक महोदय। मायसेल्फ जमीर सईद अलाई, मैनेजर गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री राजबाग। देखिए, अगर हम बात करेंगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो पहले मशीन्स थे वो मोस्टली मैनुअल मशीन्स थे, और जब हम फ्लड्स की बात करें कुछ ऐसे मशीन्स थे जिनमें अपना ट्विस्ट होता है, TPM होता है, वो हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट आया था JTFRP, जिसकी वजह से हमें कुछ नई फंडिंग हो गई, नई मशीन्स आ गई और नई बिल्डिंग बन गई। अगर हम देखें, नज़र पड़ रही है आपको, कुछ नई मशीन्स हमारे पास है जिनको हम TF4 बोलते हैं। दीज आर टू फॉर वन ट्विस्टिंग मशीन्स। जब हम इनकी बात करेंगे, दे आर ऑल PLC बेस्ड ऑटोमेटिक मशीन्स है सारी, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे फ़र्क ये पड़ रहा है, जो अगर इनिशियल फेज हम देख रहे हैं नियर अबाउट 1.5 लाख मीटर्स एनुअली हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की इन ए सिंगल फेज, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट 4.5 लाख मीटर्स एनुअली इन 3 फेजेस। तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, बोथ इन क्वालिटी हिसाब से और क्वान्टिटी हिसाब से एनहेंस होगा। जो मैंने अभी आपको बोला, जो नई मशीन्स है ये सारी ऑटोमेटिक मशीन्स है, जो हमारे ओल्ड वर्कर्स है वो ये मशीन्स चला हैंडल नहीं कर पाएंगे। अभी हम रिसेंटली बात करेंगे, कुछ हमें नए अभी यूथ हमने इन्वॉल्व किए इसके साथ, जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो जो नया यूथ है उनको हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और जॉब्स इनको मिल रहे हैं। हमारा सेल हमेशा से आपको पता होगा, जो राजबाग सिल्क फैक्ट्री है इसका अपना वर्ड ऑफ माउथ है, हर जगह पता है कि राजबाग का अपना ब्रांड है, तो हमेशा इसकी सेल अच्छी होती थी। बट रिसेंटली जो हमने कोविड की वजह से देखा, जो इसका इम्पैक्ट पड़ गया, उसकी वजह से थोड़ा सेल्स डाउन हो गई। बट इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं जो सेल्स है अभी एनहेंस करने की। रिसेंटली वी आर टाइड विद अमेज़न के साथ हम टाइप हो गए हैं, तो जो हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ई मार्केटिंग के लिए, वो हम एनहेंस कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी ब्रांडिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ट्राई कर रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़े हमारा। अमेज़न की बात करेंगे, अमेज़न को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें इंटरनेशनल के लिए, नेशनल के लिए, तो जो अभी हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, अभी मोस्टली जो ऑर्डर मिल रहे हैं इंडिया के लिए मिल रहे हैं। इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू गेट विद फ्लिपकार्ट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, तो मोस्टली इंटरनेशनल की भी ट्राई कर सकते हैं।